ऑपरेशन त्रिनेत्र से 48 घंटे में पुलिस ने किया हत्या का खुलासा। भाई ने कराई थी भाई की हत्या। ऑपरेशन त्रिनेत्र इस तीसरी आंख की मदद से एक सनसनीखेज खुलासा 48 घंटे में पुलिस ने किया। छोटे भाई ने बड़े भाई की 10 लाख रुपए में सुपारी देकर कराई थी हत्या। पुलिस ने ऑपरेशन त्रिनेत्र जो DGP उत्तर प्रदेश का एक अभियान है, जो जगह जगह CCTV कैमरे यानी तीसरी आंख लगाई जा रही है, उसी तीसरी आंख के जरिए उसकी मदद से इस सनसनीखेज हत्या का पुलिस ने खुलासा किया। इस हत्या में 4 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इनमें एक मृतक का छोटा भाई है और 3 किराए के हत्यारे हैं जिनको 10 लाख रुपए में सुपारी दी थी और 1 लाख रुपए बतौर बयाना पहले दे दिया था, बाकी के बाद में देने थे। ये हत्या 7 अक्टूबर को हुई थी। इस हत्या में पुलिस अधीक्षक ने घटनास्थल का निरीक्षण भी किया था और 2 टीमें गठित की थी। घटना का खुलासा जो बहुत ही सराहनीय है, इस कार्य का खुलासा करने वाली टीम को पुलिस अधीक्षक राजेश द्विवेदी ने 20,000 के इनाम की भी घोषणा की है। ये दिनांक 7 अक्टूबर को ये थाना शहजाद नगर में गांव के बाहर एक युवक की डेड बॉडी मिली थी, जिसकी पहचान वहीं गांव के एक शादाब व्यक्ति के रूप में हुई थी। उसके चाकू के निशान थे उसके बॉडी पर, चाकू से उसकी हत्या किया ना पाया गया। मृतक के परिजनों ने एक गांव के ही इमरान नामक व्यक्ति के ऊपर शंका जाहिर की थी और FIR कराया था। और आप अवगत हैं, DGP UP महोदय के निर्देश से पूरे प्रदेश में ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत कैमरे लगाए जा रहे हैं। उनके द्वारा यह भी निर्देशित किया गया है कि इन्हें गांव में भी लगवाया जाए। तो पुलिस द्वारा जो कैमरा एक गांव में ही लगवाया गया था, एक मेडिकल स्टोर पर, उसको देखने पर पता चला कि ये इमरान ही उस मृतक के साथ जा रहा था और जो शक था वो पुख्ता हो गया कि कहीं ना कहीं इस हत्याकांड में उसका हाथ है। इसमें कई टीमें लगाई गई उनके अरेस्ट के लिए और इसमें सफलता मिली है। न सिर्फ इमरान बल्कि उसके साथ 2 अन्य साथी भी पकड़े गए और उन्होंने बताया कि मृतक के सगे भाई के कहने पर उनके द्वारा मृतक की हत्या की गई थी। उसके कारण बताया गया, इसको जो मृतक का भाई है उसको अरेस्ट करने पर कारण ज्ञात हुआ है कि उसके द्वारा एक ज़मीन बेची गई थी, उसमें हिस्सा न मिलने से आक्रोशित होकर उसके द्वारा 10 लाख में सौदा किया गया था इन 3 अभियुक्तों से, जिसमें से 1 लाख पेशगी दिए गए थे। इन अभियुक्तों के पास से जो पेशगी में से जो कुछ तो रुपये खर्च कर दिए, 63,000 रुपये नकद, आला कत्ल जो कि 2 चाकू थे, कुछ कपड़े, मृतक का मोबाइल फ़ोन और उसके घर की चाबी इत्यादि बरामद हुई है। कितने लोग गिरफ्तार किए? अभी तक 4 लोग गिरफ्तार हुए हैं। सही, भाई ने सुपारी दी थी, वो भाई पकड़ा गया? हाँ, पकड़ा गया। अभी कोई साथी इनके फरार है? नहीं, अभी तक जितने ज्ञात हुए सभी अरेस्ट हो गए हैं।